जो आज कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड के बटन के बारे में, कीज के बारे में, कि कैसे काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा कीबोर्ड, ओके, ये है हमारा कीबोर्ड। बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत बार प्रॉब्लम्स होती है, सर ये बटन्स क्या है, ये बटन्स कौन सा है, बटन्स का क्या काम। ठीक है, तो सारे बटन्स की मैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है या थोड़े बहुत ही जरूरी है सबकी व्याख्या में करूंगा, ध्यान से सुनना है। ठीक है, वैसे तो कीबोर्ड्स में जितने बटन है 104 या 106 तो इससे भी ज्यादा के आते हैं, जैसा जो कंपनी बनाना चाहे, तो अलग अलग कीबोर्ड अलग अलग कामों के लिए हो सकता है और उसके बटन भी ज्यादा कम हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो कीबोर्ड हम कंप्यूटर की बात करते हैं 104 बटन या 106 का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए इसके लिए। पहले तो हमारे पास दो हाथ है, ठीक है, दो हाथ है, तो वैसे ही कुछ बटन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड, दाहिने बाएं दोनों तरफ दो दो बटन दिया है, ओके। तो यहां पे देखते हैं, मैं और जूम करूं, देखो इस तरफ बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड का एरिया, ठीक है, मैं थोड़ा और उसको कर दो, ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ज्यादा दिखेगा। अब जैसे ये साइड देखो, ये बटन, ये बटन, ये बटन और ये बटन, देख रहे हैं चारों बटन, ये जो चारों बटन है, ठीक है, इनको क्या क्या बोलते हैं, इसको ऑल्ट बोलते हैं। मैं और जूम करके दिखा दूंगा, मैं और जूम कर देता हूं तुम्हें पूरा अच्छे से दिखेगा, दो मिनट रुक जाओ जरा। देखो यहां पे ये ऑल्ट बटन है, ठीक है, ये विंडोज की बटन है। देखो ऑल्ट मतलब ए एल टी, क्या लिखा है ए एल टी, इसको ऑल्टर भी बोलते हैं, ऑल्टर का शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट बटन है, ठीक है, और ये क्या है विंडोज बटन, विंडोज, ठीक है, ये विंडोज बटन है और ये कंट्रोल बटन है CTRL, ये कंट्रोल बटन है और ये शिफ्ट बटन है। देखो याद रखना, कभी कभी कीबोर्ड में जो नाम दिए हैं बटन के उनके अलग अलग चिन्ह भी बताए, चिन्ह मतलब सिंबल्स। अब देखो इसका जो चिन्ह है ऊपर की तरफ तीर बना हुआ है, देख रहे हैं, शिफ्ट का जो है ऊपर की तरफ तीर बना हुआ है, तो इसको बोलना मत, ठीक है। मैं और जूम करके दिखा सकता हूं, आप कीबोर्ड में देख सकते हो शिफ्ट का ऊपर की तरफ तीर जो दिया गया है वैसा शिफ्ट का बटन होता है। ये चारों बटन आपको राइट साइड में मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये राइट साइड, दाहिने साइड मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान देखना, दाहिने साइड भी आपको चारों बटन मिल जाएंगे। और देखो कौन कौन सा, देखो यहां भी ऑल्ट दिया है, ठीक है, ए एल टी मतलब ऑल्टर या ऑल्ट, ये विंडोज बटन, ठीक है, विंडोज बटन क्या है, जो आप यहां पे आते हो, जो स्टार्ट बटन दबाते हो ना, ये यहां पे आके इस तरफ, ध्यान देखना, इस तरफ आके जो स्टार्ट बटन दबाते हो, ठीक है, ये वाला बटन, ठीक है, ये वाला बटन जब स्टार्ट में दबाते हो तो क्या होता है बेटा कि विंडोज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है आपका विंडोज बटन, जहां से आप ये स्टार्ट यहां से करते हो। और देखो यहां ये बाद में बताऊंगा, ये कंट्रोल बटन जो कि उधर भी था, ठीक है, इसका काम आपको आगे समझ में आएगा। और ये शिफ्ट बटन सेम ही है, ठीक है, ये चारों बटन ऑल्ट विंडोज कंट्रोल और शिफ्ट, ये चारों बटन बाएं साइड भी है और दाएं साइड भी, याद रखना दो हाथ है, सिर्फ दोनों हाथों के लिए दोनों तरफ दिया गया है, ठीक है। इनका काम क्या है, ये हॉट कीज होते हैं, ठीक है, ये हॉट कीज मतलब क्या होता है, बहुत सारे कमांड जब हमें चालू करने पड़ते हैं तो इनकी इनके साथ हम चालू करते हैं, ठीक है, तो आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, चार बटन बाएं तरफ, चार बटन दाएं तरफ, दोनों तरफ होते हैं ये चार चार बटन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम जरा फिर से इधर आते हैं इस तरफ। अब देखो यहां पे जो दिया है ये कैप्स लॉक बटन, ठीक है, कैप्स लॉक, याद रखना कैप्स लॉक, ठीक है, तो इसकी मैं आगे व्याख्या करूंगा, अभी कर देता हूं, कोई बात नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कीबोर्ड पे तीन प्रकार के लॉक्स होते हैं, लॉक, ठीक है, एक ये कैप्स लॉक होता है, ओके, और दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, दो मिनट रुक जाओ, एक कैप्स लॉक और दूसरा मैं दिखाता हूं, ये देखो दूसरा होता है बेटा ये नम लॉक, ये नम लॉक का बटन, ठीक है, जो जहां पे आप ये सब टाइप करते हो आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड, सॉरी वेट जरा बेटा, ओके, तो ये एक दूसरा होता है नम लॉक, ध्यान देखना, ये जो इधर बटन होता है राइट साइड में सब देखा होगा आपने,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, आप ध्यान देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये एक नम लॉक है, ठीक है, और दूसरा यहां पे स्क्रॉल लॉक किया है, ठीक है, स्क्रॉल लॉक, क्रॉ, ठीक है, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के लॉक होते हैं कीबोर्ड पे, तीन प्रकार के लॉक होते हैं, भूलना मत। पहला कैप्स लॉक, दूसरा ये पहला कैप्स लॉक जो लेफ्ट साइड दिया है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहला क्या है, ये हो गया कैप्स लॉक, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है ये नम लॉक, ठीक है, तीसरा स्क्रॉल लॉक। लेकिन इन तीनों के बटन भी होते हैं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा लॉक कब चालू हो सकता है या होगा या है, कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं, यहां पे ध्यान देखना, यहां पे तीन प्रकार की लाइट दी गई है। देखो ये है, ये जो लाइट है ये नम लॉक की है, याद रखना, नम लॉक दबाओगे तो ये जल जाएगी लाइट, ठीक है। दूसरा जो लाइट है ये कैप्स लॉक की है, मतलब यहां से ये जो आप कैप्स लॉक देखोगे, ठीक है, ये कैप्स लॉक की लाइट है जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है, ठीक है। और ये लाइट जो है ये आपकी है, ये स्क्रॉल लॉक की है, ठीक है। ये तीन लाइट है, तीन लॉक है, याद रखना, कीबोर्ड पे तीन लॉक है। अब इनका कार्य क्या है, मैं आपको दिखाता हूं इनका कार्य क्या है। पहला जो कैप्स लॉक हमने देखा था, कैप्स लॉक का क्या कार्य है, ध्यान सुनना, ये कैप्स लॉक का कार्य क्या है कि जब भी आपको कई पैराग्राफ या एक पेज दो पेज आपको लगातार, ठीक है, आपको लगातार, ठीक है, तो कई पैराग्राफ मतलब कई पन्ने आपको लगातार अगर बड़े अक्षरों में टाइप करना है, जैसे ए बड़ा, ठीक है, ए बड़ा, एस छोटा, सॉरी, सब ये जितने भी आपको कीबोर्ड में लेटर दिए गए हैं, मतलब अक्षर दिए गए, सब आपको बड़ा बड़ा टाइप करना है, ठीक है, सब अक्षर आपको एबीसीडी एफ जे सब बड़ा बड़ा टाइप करना है। तो कैप्स लॉक यहां दबाओगे तो क्या होगा, कैप्स लॉक दबाने के बाद ये आपका चालू हो जाएगा, कौन सा बटन बेटा, ये वाला बटन चालू हो जाएगा। ये वाला बटन चालू होने का मतलब क्या होता है, ये जलने का मतलब क्या होता है, क्या जो कुछ भी टाइप करोगे वो बड़े अक्षरों में टाइप होगा, क्लियर। अब हम दूसरे लॉक की बात करते हैं, दूसरा लॉक देखो ये नम लॉक है, ठीक है, नम लॉक अगर आप चालू करोगे तो ये लाल ये बत्ती जल जाएगी, ठीक है। जब ये बत्ती जल जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो है, सॉरी, आपका जो ये पूरा पैड है, ये वाला, दो मिनट जरा, ये वाला जो पैड है पूरा बेटा, यहां से लेके, सॉरी, नम लॉक से लेके यहां तक, देख रहे हो, ये पूरा, ठीक है, नम लॉक अगर बटन दबाओगे ये चालू हो जाएगी बत्ती, तो इसका मतलब होता है ये पूरा पैड, मतलब ये पूरे कीबोर्ड चालू हो जाएंगे, याद रखना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की पैड, ठीक है। तो इसको आप चालू करना चाहते हो तो ये नम लॉक को चालू करोगे तो ये बत्ती जल जाएगी, इसका मतलब होता है कि सारे बटन चालू हो गए। अगर ये ऑफ रहता है तो आपका ये सारे बटन चालू नहीं होंगे, याद रखना, ये चालू होना चाहिए, तो ये पूरे बटन चालू होंगे, क्लियर, ये नम लॉक का काम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा स्क्रॉल लॉक, ठीक है। अब यहां पे बेटा जो ये स्क्रॉल लॉक है, अब इसका मतलब क्या है, स्क्रॉल लॉक की लाइट ये होती है, ठीक है, इसकी लाइट ये होती है, जैसे ये बटन दबाओगे तो ये जल जाएगा। अब ठीक है, इसको दबाओगे, प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये स्क्रॉल लॉक की लाइट जल जाएगी। इसका काम क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, माउस का जो एक बटन होता है, स्क्रॉलिंग बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा, स्क्रॉल बटन बोलते हैं, यहां पे देखो ये जो बटन है ना, आपने देखा होगा यहाँ, ये जो बटन है स्क्रॉल, इसको स्क्रॉल बोलते हैं। ये किस काम में आता है, जैसे आप बहुत पन्नों की आपकी नोटबुक है, आप कुछ कंप्यूटर में पढ़ रहे हो और पन्ना ऊपर नीचे करते हो, आप इसी के द्वारा पन्ने जो है ऊपर नीचे करते हो, पेजेस को ऊपर नीचे करते हो, ठीक है। आप इसी के द्वारा जब ऊपर नीचे करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हो, पेजेस कई सारे हैं, तो अपने आप के पन्ने ऊपर नीचे होने लगते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अपने आप जो पन्ने ऊपर नीचे होने लगते हैं तो इसको लॉक कर दिया जाता है, मतलब ये अगर ऊपर नीचे हो पन्ने तो ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो इसको लॉक करने के लिए वो बटन जो कीबोर्ड का है उसको प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बटन को प्रेस कर दोगे
वो स्क्रॉल लॉक बंद हो जाएगा, मतलब अपने आप जो पन्ने ऊपर नीचे होने लगे, क्योंकि पढ़ने में तकलीफ होगी आपको, बार बार पन्ने ऊपर नीचे अपने आप होंगे, तो आप क्या करते हो उसको लॉक दबा दोगे, तो प्रेस करने के बाद ये बटन जल जाएगा और वो लॉक हो जाएगा, मतलब अपने आप पन्ने ऊपर नीचे नहीं होंगे। इजिली यू कैन रीड दैट पेज, आप उस पेज को आसानी से पढ़ सकते हो। ओके ओके बेटा, तो अब बात करते हैं इस, ये जो राइट साइड दिया है टैब बटन, ठीक है, और इस टैब बटन का देखो कैसा निशान है, याद रखना ये निशान पेपर से भी पूछता है, कीबोर्ड का भी पूछता है, याद रखना ये निशान कैसे देख रहे हो आप, ध्यान में रखना इस निशान को, इस सिंबल को ध्यान से रखना, ठीक है। इस टैब का काम क्या है, तो मैं आपको टैब का काम दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टैब का काम क्या है, टैब का काम ध्यान से देखना, जैसे ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये, आप आ गया आपका तीसरा चैप्टर है, जैसे आप कुछ टाइप करते हो यहाँ पे, देखो मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ टाइप किया और फिर स्पेस दिया, फिर कुछ टाइप किया, ठीक है, फिर स्पेस दिया, फिर कुछ टाइप किया, देख रहे हो इन शब्दों के बीच की दूरी कितनी है। अब अगर टैब स्पेस की जगह, याद रखना स्पेस बटन की जगह, ठीक है, स्पेस बटन कहां है दिखाता हूं मैं आपको, ये है बेटा आपका स्पेस बटन, देख रहे हो ना ये जो लंबा सा है, ठीक है, ये आपका पूरा स्पेस बटन है, जब आप टाइप करते हो तो इसको दो शब्दों के बीच में दूरी देने के लिए इसका यूज करते हो, ठीक है, इसकी जगह आपको, ओके, तो इसकी जगह आपको अगर ये टैब दबाते हो, देखो तो कितना दूर टाइप हो रहा है, देखो ये टैब की दूरी है, ये जो दिख रहा है टैब की दूरी, और ये है स्पेस की दूरी, देख रहे हो, फिर से टैब प्रेस किया और फिर से टाइप किया, फिर से टैब प्रेस किया और फिर से टाइप किया, तो जितना स्पेस की दूरी होती है स्पेस वाले बटन से, उससे कई गुना ज्यादा टैब की दूरी होती है, आप ज्यादा दूर आगे जाके टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टैब का काम, और टैब का काम एक और मैं दिखाता हूं आपको, मान लो यहां पे मैंने कुछ टाइप किया, ठीक है, कुछ भी टाइप किया, ये आगे का चैप्टर है, देखो टैब का काम बता रहा हूं, आगे आपको काम में आएगा, तो ये टाइप करने के बाद, ठीक है, ये टाइप करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा जूम करता हूं, क्लियर हो जाएगा, ये सब मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं इसको बंद करता हूं फाइल में जाके, आप आगे के चैप्टर में टेंशन मत लेना, आगे के चैप्टर में आप लोग को, मतलब आगे जो थर्ड चैप्टर है, तो यहां से एग्जिट करता हूं, मतलब क्लोज बटन बंद करता हूं, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहां पे पूछता है सेव करना है, नहीं सेव करना है, कैंसिल करना है, मतलब कंप्यूटर के अंदर रखना है या नहीं रखना है या अभी काम करना है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ओके। तो अब यहाँ पे टैब का काम कर सकते हैं, हालांकि हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन टैब से भी हम कर सकते हैं, जैसे अब मैं क्या करता हूं, ओके, तो मैं क्या करता हूं, जैसे यहां पे देखो अभी ये कलरफुल दिख रहा है, मतलब ये सेव करना है नहीं करना है, तो मैं टैब दबाता हूं, देखो ध्यान, टैब दबाया तो इस पे आ गया, फिर से टैब दबाया तो इसको आ गया, फिर से टैब दबाया इस पे, मतलब ये जिस पे हमें क्लिक करना है या जो हमें चाहिए वो हम इसे चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो, टैब 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 टैब, मैं बार बार दबा रहा हूं, बार बार चेंज हो रहा है, मतलब जिस पे ये चेंज हो रहा है उसको बोल रहा है कि आप ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो। तो अब माउस से क्लिक करूं, ध्यान सुनना, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान सुनना कि माउस से मैं इस पे क्लिक करूं तो काम हो जाएगा मेरा, ठीक है, लेकिन अगर माउस से मुझे क्लिक नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे डोंट सेव पे काम करना है, तो मैं डोंट सेव पे टैब दबाया, आ गया डोंट सेव पे, ठीक है, जैसे घूम रहा है ये, इसको सिलेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन, इस टाइम सिलेक्शन किस पे, सेव पे, सेव वाले बटन पे या सेव वाले कमांड पे, इस टाइम सिलेक्शन किस पे है, ये डोंट सेव वाले कमांड पे, इस टाइम सिलेक्शन किस पे है, ओके, इस टाइम सिलेक्शन कैंसिल पे। तो अब माउस को नहीं यूज करके जिस पे ये सिलेक्शन रहेगा, अगर मैं एंटर दबाऊंगा ना कीबोर्ड का एंटर बटन, तो उससे क्या होगा, वो कमांड काम कर जाएगा, जैसे मैं कैंसिल करूं तो देखो एंटर बटन दबाता हूं तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो गया, मतलब अभी काम करना है, फिर से मैं क्लोज करता हूं, ध्यान देखना, फिर से क्लोज करता हूं, मतलब एग्जिट करता हूं, फिर से ये पूछता है, अब मैं सेव करूंगा या डोंट सेव करूंगा तो काम करेगा, मतलब माउस की जगह, माउस के लेफ्ट क्लिक की जगह, ध्यान से देना मेरी बात, ध्यान समझना कि ध्यान से देखना, माउस के लेफ्ट क्लिक, मतलब ये लेफ्ट क्लिक होता है, पता नहीं बाएं तरफ दबाया जाता है, ये लेफ्ट क्लिक कहलाता है, लेफ्ट बटन दबाने के अलावा हम एंटर का भी उपयोग कर सकते हैं, अब एंटर बटन कहां पे है, ठीक है, तो माउस के लेफ्ट क्लिक की जगह हम एंटर बटन का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं,
ये दिमाग में रखना, माउस के लेफ्ट बटन की जगह हम कीबोर्ड के एंटर बटन का उपयोग कर सकते हैं जब टैब का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। टैब से जब हम सिलेक्शन कर देते हैं, टैब बार बार दबाते हैं जिससे वो हाईलाइट हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, अब उसी टाइम एंटर दबाएंगे तो वो कमांड चालू हो जाता है। क्लियर? ओके। और नेक्स्ट बटन है हमारा बेटा एस्केप, SESC मतलब एस्केप। एस्केप का आपको जो काम आएगा वो आपको ज्यादातर आपको चौथे चैप्टर में आएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। कुछ लिखे हुए कि बार बार हटाना है तो मैं हटा सकता हूं, आप देख लेना, मैं बता दूंगा एस्केप का काम क्या है, चौथे चैप्टर में आता है, ठीक है। एस्केप मतलब वापस आना, मतलब जो आपने काम किया है, काम किया था वो आपको पुराना वाला चाहिए, तो एस्केप दबाते तो आ जाता, वो चौथे चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा मैं भूल गया था यहां पे बताने के लिए, ये जो आपका है राइट साइड में दिया है विंडोज और कंट्रोल के बीच में, इसको बोलते हैं माउस का राइट क्लिक, ठीक है। अब राइट क्लिक कौन सा बटन होता है बेटा, राइट क्लिक मैं दिखाता हूं आपको कौन सा बटन होता है माउस का राइट क्लिक। यहां पे कीबोर्ड में भी कभी कभी दिया रहता है, मोस्ट ऑफ दिया रहता है ज्यादातर, मैं दिखाता हूं बेटा, ये है माउस का राइट क्लिक बटन जिसमें कमांड रहते हैं सब, छोटे से मेनू पैदा होता है जब आप क्लिक करते हो चालू हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका माउस की व्याख्या बाद में करूंगा। क्लियर? ये राइट क्लिक बटन जो होता है कीबोर्ड में दिया रहता है, जो कमांड यहां से काम कर सकता है वो कीबोर्ड के वो वाले बटन से काम कर जाता है, कौन से वाले से, इस वाले बटन से। क्लियर? यही माउस का राइट क्लिक है, दिमाग में रखना, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। एक बात और बता रहा बेटा कि ये माउस का जो सॉरी ये जो एंटर बटन है इसका और भी उपयोग है, जैसे माउस का जो बायां बटन आप दबाते हो, कि माउस का जो आप बायां बटन दबाते हो उसकी जगह एंटर का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, याद रखना, तो ये दिमाग में रखना, आगे समझ में आएगा आपको, ओके। तो ये दिमाग में रखना, माउस के लेफ्ट क्लिक की जगह, लेफ्ट बटन दबाने की जगह, मतलब एक बार जो बायां बटन दबाते हो माउस उसकी जगह हम एंटर का ये बटन दबा सकते हैं कीबोर्ड। क्लियर? अब थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या विकल्प है। हाँ, एक चीज और है, इसका उपयोग जब आप टाइपिंग करते हो, ठीक है, मैं दिखाता हूं, ओके। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आपको नया पैराग्राफ बनाना है, नया पैराग्राफ याद रखना, टाइपिंग करते तीसरा चैप्टर में है, जब आप एंटर मारते हो तो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये देखो, ठीक है, नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ के बीच की दूरी ज्यादा होती है, नई लाइन स्टार्ट करने के लिए आपको कम दूरी लगती है, ये नई लाइन है, देख रहे हो, नई लाइन स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के एंटर दबाया जाता है, तो वो तीसरे चैप्टर में, टेंशन मत लो, समझ में आ रहा है। देखो ये पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच में अलग अलग दूरी होती है, सॉरी ज्यादा दूरी होती है, तो दिमाग में ये चीज रखना हमेशा, ठीक है। एंटर का कई काम होता है, आगे भी बहुत सारे समझोगे आप। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन कीज, फंक्शन कीज। देखो यहाँ पे ध्यान देखना, मैं जो घेरा बना रहा हूं यहां से लेके ये जो बटन है कीबोर्ड का, ध्यान देखना, ठीक है, ये जो सारे बटन है इनको बोलते हैं फंक्शन कीज, है ना, फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन बटन, ठीक है। फंक्शन बटन क्या क्या है मैं दिखा दो, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ओके। तो ये सारे फंक्शन बटन होते हैं। अब ये भी बहुत सारे काम होते हैं, इनके द्वारा बहुत सारा किया जाता है, बहुत से सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम किया जाता है, बहुत से बेटा। तो ये क्लियर हो गया, ये आपके फंक्शन कीज है, फंक्शन कीज मतलब बटन, तो याद रखना, ठीक है। F1, बहुत बच्चों बोलते हैं F1 दबाओ तो F, ये वाला F दबाते हैं, ये वाला F और वन कोई दबा देते हैं, वन मतलब ये वाला, ठीक है, ये वन दबाते हैं, F ये वाला और फिर ये वन दबा देते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है उनकी। ये दिमाग में रखना कि कभी भी आपको बोला जाए F1 दबाओ तो आपको ये F1 दबाना है, F2 दबाओ तो ये F2 दबाना है, F4 दबाओ तो ये F4 दबाना है, ये नहीं ये F दबाया और फिर ये F1 दबा दिया, ठीक, ये F दबाया और फिर ये F2 दबा दिया, ऐसी गलती नहीं करना है। ये फंक्शन F जहां पे 1, 2, 3 के साथ F स्टार्ट हो जाए तो समझ जाओ कि ये फंक्शन कीज की बात हो रही है। क्लियर? ओके। अब स्पेस बार बोलते हैं, स्पेस बार, ये स्पेस बार है, स्पेस बार, ये क्या काम करता है, दो शब्दों के बीच में जो दूरी बनाई जाती है इसी के द्वारा बनाई जाती है, आप टाइपिंग में देखा होगा, ठीक है। और भी काम है, सिलेक्शन काम है, जैसे इस
आइकन दूसरे के आइकन में जाने के लिए, तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्या बटन बेटा, ये है स्पेस बार। एंटर के ऊपर, इस एंटर के, ये जो एंटर बटन है इसके ऊपर जो दिया रहता है, इस तीर के निशान के साथ, याद रखना ऐसा तीर का निशान होता है, ठीक है। कभी कभी इसका ये बैक जो आपको दिख रहा है, ये बैक स्पेस वाला बटन, कभी कभी अलग आकार का भी दिखता है। मैं आपको दिखाता हूं अलग आकार कैसा दिखता है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये बटन, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला बटन जो है कभी भी बड़ा दिखता है, ठीक है। चीज वही है, चाहे छोटा चाहे बैकस्पेस यूज हो, किसी कीबोर्ड में दिया गया हो चाहे बड़ा दिया हो, कोई बात नहीं, निशान वही है, काम वही है, खाली छोटा बड़ा। इसमें बैकस्पेस लिखा गया है और उसमें बैकस्पेस नहीं लिखा गया है। इसमें बैकस्पेस और निशान दोनों दिए गए हैं, उसमें खाली निशान दिया गया है, मतलब सिंबल दिया गया है, तो उसका कोई परेशानी नहीं। लेकिन समझना इस चीज को, बैकस्पेस चाहे निशान दे के दे या बिना निशान के, ओके, तो दोनों का काम सेम ही है। और मैं बताता हूं, क्लियर बेटा। तो इसका काम क्या है, बैकस्पेस मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा टाइपिंग के वक्त, करते वक्त। और भी मैं काम दिखाता हूं, बैकस्पेस का कार्य क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे मैं यहां पे कुछ टाइप कर रहा हूं, ठीक है, और मैं बैकस्पेस अब दबा रहा हूं। देखो बैकस्पेस से क्या हो रहा है, बैकस्पेस से क्या हो रहा है कि लिखा हुआ जो मिटता चला जा रहा है, ठीक है। बैकस्पेस से क्या हो रहा है, बैकस्पेस बार बार दबा रहा हूं तो लिखा हुआ मिटता चला जा रहा है, बैकस्पेस का ये कार्य है। और भी कई सारे कार्य है, ठीक है। ये देखो बैकस्पेस दबाने से क्या हुआ है, जो आप लिखे हुए मिटता चला जा रहा है, मतलब खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। बैकस्पेस का ये भी कार्य होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, एक काम और बेटा ध्यान देखना, कीबोर्ड पे जितने भी बटन है, कभी कभी किसी किसी बटन पे दो दो अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, दो दो सिंबल्स या चित्र दिए गए हैं, देख रहे हो ना, दो दो चित्र दिए गए हैं। जैसे देखो यहां पर बैक स्लैश, ठीक है, सॉरी बैक स्लैश और क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे आपको संबंधे का चिन्ह मतलब कोलन और सेमी कोलन, यहाँ पे लोअर देन और कॉमा, ग्रेटर देन और फुल स्टॉप। ऐसे ही कीबोर्ड में देखोगे बहुत बहुत सारे बटन पे दो दो लेटर, दो दो अक्षर दिए गए हैं, दो दो निशान, दो दो दिए गए हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन होता है कि मैं टाइप करूंगा तो पहले टाइप करूंगा कौन सा अक्षर आएगा। याद रखना, अगर जिस भी बटन पे, ध्यान सुनना, जिस भी की मतलब बटन पे दो दो अक्षर दिए गए हैं, अगर आपको उसमें से नीचे वाला अगर टाइप करना है तो आप बटन दबाओगे तो नीचे वाला टाइप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाला बटन, किसी बटन पे दिया गया जो ऊपर वाला अक्षर अगर टाइप करना है, ऊपर वाला निशान जो कुछ भी है टाइप करना है, तो आपको ये वाला शिफ्ट बटन या बाएं तरफ वाला कोई भी शिफ्ट बटन, एक ही बात है, चाहे ये शिफ्ट दबाओ चाहे वो शिफ्ट दबाओ, एक ही बात है, इसको दबा के कोई बटन दबाओगे तो ऊपर वाला अक्षर टाइप होगा, ठीक है। याद रखना, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान दो। अब मान लो मुझे यहां पे ये वाला बटन, ठीक है बेटा, ये जो बटन दिया गया है, इसमें जो ऊपर वाला जो अक्षर है वो टाइप करना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि ऊपर है, नीचे वाला तो टाइप करूंगा अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला टाइप करने के, देखो मैं कैसे टाइप करता हूं, ध्यान देखना, तो बेटा अब चलते हैं ये एरो कीज के बारे में। ये इनका का क्या काम है, इनको बोलते हैं एरो कीज, मतलब तीर वाले बटन, एरो कीज, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लेफ्ट, सॉरी डाउन एरो, इसको अप एरो, ठीक है, इसको लेफ्ट एरो और इसको राइट एरो। इनका काम क्या है देख लो जरा, मैं दिखाता हूं, ओके। आप देखना, अभी मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं, मुझे बिना माउस के ऊपर टाइप करना है, ऊपर जाके टाइप करना है, तो माउस से क्लिक करूंगा तो यहां पे टाइप होगा, यहां क्लिक, देखो क्लिक करने के बाद ये पॉइंट आ जा रहा है, क्लियर टाइप कर रहा हूं, मुझे ऊपर नीचे जाना है बार बार, देखो जा रहा है, ठीक है, जिधर भी जा रहा हूं तो बाएं तरफ जा रहे हो या दाएं तरफ जा रहे हो, देखो मैं लेफ्ट एरो दबा रहा हूं, सॉरी राइट एरो, तो राइट तरफ जा रहा है, ठीक है, मैं लेफ्ट एरो दबा रहा हूं, लेफ्ट तीर बाएं वाला तीर दबा रहा हूं तो बाएं तरफ जा रहा है, बाएं तरफ जाके टाइप कर सकते हैं,
ऊपर वाला दबा रहा हूं तो ऊपर वाला जा रहा है, ऊपर जाके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जिधर भी आप नीचे नीचे जाके टाइप करो, नीचे जाके टाइप करो, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट, ये ब्लिंक हो रहा है बार 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 बार, ये गायब हो रहा है, आ रहा है, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसर्शन, इंसर्शन पॉइंट। जहां पे ये रहता है वहीं पे टाइप होता है, थर्ड वाले चैप्टर में है, सो टेंशन मत लो। लेकिन आप एरो बटन के द्वारा ऊपर नीचे इसके द्वारा जा सकते हो, ठीक है। देखो ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ओके चलो। कि बेटा तो अब चलते हैं इन बटनों की तरफ। ये जो बटन है कौन कौन से बटन है, पहले हम चलते हैं, जैसे यहां पे दिया है पेज डाउन और पेज अप, ठीक है, पेज डाउन और पेज अप। पेज डाउन मतलब आप मान लो जैसे आपकी नोटबुक है, आपके नोटबुक में 50 पेज है या 5 पेज है, आपको पांचवें पन्ना पे जाना है तो आप कैसे नोटबुक में चले जाते हो, आपको पहले पेज पे जाना है तो भी आप चले जाते हो आराम से, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर में कैसे आप फटाफट जाओगे, ठीक है, सॉरी पेज अप पेज डाउन, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अब यहां पे देखो ये जो वर्तमान समय में पेज नंबर 1 दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है बेटा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे हम काम कर रहे हैं। अगर और नीचे जाते हैं तो आपको नीचे अगर जाना होगा तो मैं यहां से दूसरे पेज पे जाना है तो मैं पेज डाउन दबाऊंगा, ठीक है। तो ओके, तो मैं पेज डाउन दबाऊंगा, ये नीचे जाएगा, देखो जा रहा है, ये दो पेज 2 आ गया, ठीक है। फिर दबाता हूं तो पेज 3 आ गया, ठीक है, पेज 3 आ गया। फिर दबाता हूं, पेज डाउन दबा रहा हूं, सॉरी फिर से 2 मिनट जरा, फिर से अगर दबाता हूं तो देखो पेज 4 आ गया, ठीक है। मैं पेज अप दबाता हूं, पेज अप दबाता हूं, देखो अब पेज अप दबाने के बाद बेटा क्या होगा कि ये फटाफट पेज 3 पे चला गया, देखा ये पेज 3 आ गया। फिर पेज अप दबा रहा हूं, पेज अप दबा रहा हूं मतलब ऊपर जाने के लिए, तो पेज 2 आ गया। फिर पेज अप दबा रहा हूं, पेज 1 आ गया, ठीक है। तो जैसा नाम है वैसा काम, पेज अप मतलब पेज में ऊपर जाना, कई पेज है तुम्हारे पास, 8-10 पेज है तो आप फटाफट ऊपर जा सकते हो, और पेज डाउन करते हो तो फटाफट पेज में नीचे आ सकते हो, क्लियर। अब देखो आगे चलते देखते क्या और सारा कौन सा बटन काम है। अब देखो बेटा यहां पे दिया है दूसरा है ये एंड बटन, ठीक है बेटा, क्या दिया है, ई एंड डी एंड। ये एंड बटन किस काम में आता है, जैसे मान लो 5 पन्नों का आपका है, 5 पन्नों का आपका नोटबुक है, आप पहले पेज पे हो और सबसे लास्ट में आना चाहते हो, और तुरंत पेज अप पेज डाउन से क्या होता है, धीरे धीरे जाता है वो ऊपर नीचे, लेकिन एंड से क्या होता है, डायरेक्टली वो लास्ट वाले पेज पे चला जाएगा। दिखाता हूं मैं, देखो ओके सॉरी बेटा, एक्चुअली एंड को दबाने से पहले ये कंट्रोल बटन दबा के फिर एंड दबाओ, कंट्रोल बटन दबा के एंड बटन दबाओगे तो पेज के सबसे लास्ट में आ जाएगा, और कंट्रोल दबा के होम में दबाओगे तो क्या होगा, जैसे 10 पन्नों का पेज है तो पहले नंबर पे आ जाओगे, ठीक है, क्लियर। दिखाता हूं, देखो बच्चों में पहला नंबर पेज है, मैं कंट्रोल दबा के एंड दबा रहा हूं, कंट्रोल दबा के एंड, ठीक है। तो यहां पे देखो कितना नंबर पेज आ गया, 6वां नंबर पेज आ गया, देख रहे हो, 6ठे नंबर पेज पे आ गया। अगर मैं कंट्रोल दबा के होम दबाता हूं तो क्या होता है, देखना, कंट्रोल होम, तो देखो पहले नंबर पेज पे आ गया। फिर कंट्रोल एंड, फिर ये कहा क्या हो गया, कंट्रोल एंड दबाया तो 6ठे नंबर पेज पे, फिर कंट्रोल होम दबाया तो, कंट्रोल होम दबाया तो क्या होगा, ये आपको पहले नंबर पेज पे पहुंचा देगा, क्लियर, ये याद रखना। तो बेटा ये सब हो ही गया है, होम ये हुआ, ये हो गया, और यहाँ पे पॉज ब्रेक के बारे में बात बता देंगे। हाँ, और मेन चीज ये इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स क्या होता है, ये आगे देखो, इंसर्ट मतलब कोई पिक्चर से डालना होता है वो माउस से हो जाएगा, ये इतना इसका काम नहीं है। डिलीट मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिलीट करना, शब्दों को डिलीट करना, किसी आइकन को डिलीट करना, या किसी उसमें बैक स्पेस, जैसे आप डिलीट मारते हो खत्म करते हो वैसे इसको भी खत्म करते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, आप देख लो, जैसे यहां पे टाइप किया गया है तो यहां पे मैं डिलीट दबा रहा हूं, ध्यान देखना, डिलीट दबा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये सब डिलीट हो रहा है, सब खत्म हो रहा है ना, देख रहे हो, बैक स्पेस से भी खत्म होता है और डिलीट से भी खत्म होता है। बैक स्पेस से क्या होता है कि ये जो है बैक स्पेस से क्या होता है, दाहिने तरफ से खत्म करता है, ठीक है, और डिलीट क्या करता है, बाएं तरफ से खत्म करता है, क्लियर, ये दिमाग में रखना। और ये सारे बटन मैंने बताए दिए हैं। अब ये देखो यहां पे इसको बोलते हैं गुड़ा, याद रखना, ये निशान जो है गुड़ा का निशान है, जब भी आप गुड़ा भाग करते हो तो गुड़ा का निशान है, इसको बोलते हैं, आप नाम इसका दिया गया है,
बोर्ड पे चिपकाया गया, देख लेना उसमें, और इसको भाग बोलते हैं जो दाहिने तरफ झुका हुआ है, ठीक है, इसको फ्रंट बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भाग बोलते हैं। ये रेड है मतलब माइनस, ये प्लस है, ये एंटर का दो बटन, एक यहाँ पे भी एंटर है और आप देख रहे हो यहाँ पे भी एंटर है, ठीक है, और ये नंबर वगैरह सब वही है, दशमलव वाले अंक सब वही है, क्लियर। तो लगभग सभी कीबोर्ड का बटन का हो गया है, ठीक है, जो मेन मेन थे सभी सबका हो चुका है, ओके। तो आप कोई, मेरे ख्याल से आप कोई बटन रह नहीं गया है, ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, तो बाकी थोड़ा बहुत जो बचा होगा आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, ओके। चलो टच टाइपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, टच टाइपिंग, तो टच टाइपिंग कैसे होती, टाइपिंग दो छू-छू के महसूस करके टाइपिंग करना कैसे होता है बता रहा हूँ। जब भी आप टाइपिंग करते हो याद रखना, मैंने बताया था ASDF, ठीक है, मैं और जूम कर लेता हूँ। जब भी आप टाइपिंग करते हो, इससे पहले मैंने बताया था कि ASDF ये मास्टर बटन है, ठीक है, और इस पे जिस उंगली पे ये बटन होता है इसके साथ दो दबाना पड़ता है, F और G, और इसके ऊपर वाला छह बटन, ठीक है, तो छह बटन एक F वाली उंगली, फिर बीच वाली उंगली से ये लाइन, और तीसरी उंगली से ये लाइन, और चौथी उंगली से ये पूरा काली उंगली से, ठीक है। तो जब आप टाइपिंग करते हैं, ऐसे इधर का भी है, जे का छह बटन है, जो जे उंगली से जिस बटन को दबाते हैं उसे छह पूरे बटन दबाने पड़ते हैं, याद रखना, ऊपर नीचे होता है, फिर इसका ऊपर नीचे, फिर इसका ऊपर नीचे, और काली उंगली का पूरा, याद रखना। जब आप टाइपिंग करते हो बेटा, जब आप इस लाइन से टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो टाइप करते टाइम आपको जब ऊपर टाइप करना है तो एक बार देखना है, एक बार नहीं देखना है, एक बार देखना है, एक बार नहीं देखना है, एक बार देखना है, एक बार नहीं देखना है, महसूस करके टाइपिंग करनी, छू छू करके टाइपिंग करनी, भगवान ने करे कोई अंधा हो, लेकिन अंधों की तरफ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप महसूस करके, जैसे एफ के ऊपर एक बार देखा आर बटन है, ठीक, एक बार देखा, एक बार नहीं देखा, एक बार देखा, एक बार नहीं देखा, जी के ऊपर टी बटन है, एक बार देखा, एक बार नहीं देखा, एक बार देखा, एक बार नहीं देखा, स्पेस बार दबाना, एक बार देखा, एक बार नहीं देखा, टाइप करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाओ, याद रखना ASDF जो घर है जिन उंगलियों का, या JKL: जो घर है उंगलियों का, आप टाइप करो, वापस आओ, टाइप करो, वापस आओ, टाइप करो, वापस आओ, चाहे नीचे टाइप करते हो, चाहे ऊपर टाइप करते हो, वापस आपको अपनी जगह पे आना पड़ता है। जैसे आप कहीं भी जाते हो अपने घर पे वापस आते हो, वैसे ही उंगलियों का ये घर है, आपको टाइप करके वापस आ जाना है, और उंगली को उठा उठा के टाइपिंग नहीं करनी, याद रखना, आपको महसूस करके टाइप करनी। जैसे आप कान में टाइप कर रहे हो, ए के ऊपर क्यू है, एक बार देखा, एक बार महसूस किया, दूसरी बार नहीं देखा, फिर नहीं देखा, फिर भूल गए, फिर देखा, ठीक है, फिर टाइप करके वापस आ गए, यहाँ टाइप किया, वापस आए, एक बार नीचे टाइप देख, ए के नीचे जेड है, एक बार देखा, टाइप किया, फिर महसूस किया कि इसके नीचे जेड है, टाइप किया, वापस आया, टाइप किया, वापस आया, मतलब आपको आपको महसूस कर करके टाइपिंग करनी है, याद रखना। ये बोलना मत, ये चित्र आप लोगों को दे दूंगा या बना लेना, ठीक है, कीबोर्ड का, और याद रखना आपको महसूस कर करके टाइपिंग करनी, छू छू करके टाइपिंग करनी है, जिसका जो जिस उंगली का जो एरिया है उसी उंगली का प्रयोग करना चाहिए, न कि दूसरी उंगली का प्रयोग, दूसरी उंगली का प्रयोग दूसरे बटन उंगली के एरिया में करना, ऐसा नहीं करना है आपको, या बाएं हाथ दाएं तरफ या दाएं हाथ बाएं तरफ, ऐसा टाइपिंग नहीं करनी है आपको। आपको पहले स्पीड की तरफ नहीं भागना है, आपको पहले शुद्धता की तरफ ध्यान देनी है, आप सही टाइपिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो धीरे धीरे टाइपिंग करते हैं मेन, उनका काम क्या होता है, चाहे तेज टाइपिंग करते हैं, उनका काम क्या, पहले शुद्ध टाइपिंग करना। आप स्पीड की तरफ भागोगे तो टाइपिंग कर ही नहीं पाओगे, याद रखना। जैसे आप गाड़ी एक्सीलेटर बहुत स्पीड में चलाते हो तो खंती में गिर जाएगी, चलाने आता नहीं और स्पीड में चल रहे हो, ऐसे कीबोर्ड पहले सीखो, आप स्लो टाइप करो, एक एक बटन धीरे धीरे टाइप करो, आपका मेन उद्देश्य क्या है, शुद्ध टाइपिंग करना, एक्यूरेसी 100% आपका शुद्ध होना चाहिए, आप टाइप कर रहे हो एकदम सही, उंगली सही जगह पे फिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है, ध्यान देना, भूलना मत आप लोग, ठीक है। अब टाइपिंग ऐसे ही करना, मैं आपको दे दूंगा, जैसे एक बार और F से G टाइप करते हो वापस F अपनी जगह पे आ जाते हो, F से R टाइप करते हो वापस अपनी जगह पे आ जाते हो, F से T टाइप करते हो, F से जाके T टाइप करते हो वापस अपनी जगह पे आ जाते हो, ऐसे D वाली उंगली आप ई, आप डी वाली उंगली दाएं बाएं नहीं ले जाना है, ऊपर नीचे ले जाना है, ठीक है। आप डी को डी वाली उंगली से ई टाइप करते हो वापस आ जाते हो, डी वाली उंगली से सी टाइप करते हो वापस आ जाते हो,
ठीक है, ऐसी एस वाली उंगली से आप डब्ल्यू टाइप करते वापस आ जाते हो, फिर एस वाली उंगली से आप एक्स टाइप करते वापस आ जाते हो। ऐसी हमेशा याद रखना कि जो बटन जिस उंगली का घर है, होम है, उस जगह आपको आना ही आना है। ऐसा नहीं कि यहाँ टाइप करें तो यहीं पे रह गए, यहाँ टाइप करें तो यहीं पे रह गए, यहाँ टाइप करें तो यहीं पे रह गए। और स्पेस बार हमेशा अंगूठे दाहिने दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना, याद रखना, भूलना मत। क्लियर?